हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब मेरा नाम है विशाल और आज हम रीज़निंग की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं जो तो पहला टॉपिक है आपका दैट इज़ सीरीज़ आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं सीरीज़ से हम शुरुआत करेंगे तो सीरीज़ में सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व होने हैं हो है, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और उसमें क्या फंडा लगना है वो मैं आपको अभी थोड़ा सा उस वक्त दे देता हूँ सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको ये देखना है कि उसमें प्लस करने से कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं प्लस करने से बात नहीं बनती है आपको माइनस करके देखना है माइनस करके बात नहीं बनती आपको मल्टीप्लाई करके देखना है मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनती है तो आपको डिवाइड करके देखना है अगर डिवाइड करके बात नहीं बन रही है तो आपको कोई जो संख्या दे रखी है जैसे मान लीजिए आपको चार दे रखा है तो आपको देखना है कि दो का स्क्वायर करके बात बन रही है या नहीं बन रही है या फिर आपको पाँच दे रखा है आपको देखना है दो का स्क्वायर करके प्लस वन करने पर बात बन रही कि नहीं बन रही है उसके बाद आपको दस दे रखा है तो आपको देखना है तीन का स्क्वायर प्लस वन करके बात बन रही है कि नहीं बन रही है तो का स्क्वायर प्लस वन करके पाँच आ गया तीन का स्क्वायर प्लस वन करके दस आ गया अब मान लीजिए आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो आपको ये दिमाग लगाना है कि चार का स्क्वायर अगर प्लस वन करेंगे तो हमारा क्या आएगा सत्रह आएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा कैसे हो जाएगा टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन फोर इस तरह सीरीज़ चल रही है सब में प्लस वन प्लस वन हो रहा है और उसके बाद उनका स्क्वायर होकर प्लस वन कर रहे हैं तो हमारी संख्या जो है आ जा रही है ये सारी चीज़ें भी आपको करके देखनी है बात समझ में आ रही है यानी या किसी संख्या का आपको स्क्वायर करके देखना है किसी संख्या का स्क्वायर प्लस वन और स्क्वायर प्लस टू इस तरह से ये भी चीज़ें करके आपको देखनी है क्वेश्चन में आधी बात समझ में <laughs> उसके बाद किसी भी संख्या का क्यूब करके आपको देखना है क्यूब प्लस वन करके देखना है या फिर क्यूब प्लस टू या फिर इस तरह से क्यूब प्लस फोर या फिर वन की जगह थ्री कर दीजिए आप और नंबर और सीरीज चला दीजिए या फिर टू की जगह फोर करिए उसके बाद इवन नंबर सीरीज़ चला दीजिए ये सारी चीज़ें भी आपको करके देखनी होती हैं आ रही बात समझ में और आपको एक तरह तो सीरीज़ मिल जाती है मान लीजिए चार दिया हुआ है ठीक है उसके बाद छः दिया हुआ है फिर आठ दिया हुआ है फिर दस दिया हुआ है फिर बारह दिया हुआ है फिर बताना है क्या है तो उसमें देखो प्लस टू हुआ प्लस टू हुआ प्लस टू हुआ प्लस टू हुआ यानी सीरीज़ में सब प्लस टू प्लस टू होता जा रहा है तो आगे ये प्लस टू करेंगे हम तो आपका आंसर आ जाएगा फोर्टीन आगे बात समझ में ऐसी सीरीज़ भी आ सकती हैं ठीक है ये तो सेम नंबर वाली चीज़ होगी सेम नंबर हम सेम नंबर का हम जोड़ करके आगे उसको कर रहे हैं तो हमारा जो है आंसर आ जा रहा है ठीक है उसके बाद ये भी उसमें हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी सीरीज दे दी जाए जिसमें चार लिखा हुआ है सबसे पहले आपको एक सीरीज़ दे देता हूँ जैसे फोर लिखा हुआ है ठीक फिर सिक्स लिखा हुआ है फिर नाइन लिखा हुआ है फिर थर्टीन लिखा हुआ है फिर अठारह लिखा हुआ है फिर आप आगे बताना यानी कि पहले तो दो जोड़ा गया फिर तीन जोड़ा गया फिर चार जोड़ा गया फिर पाँच जोड़ा गया अब कितना जोड़ा जाएगा छः जोड़ा जाएगा ये एक तरह की सीरीज़ चल रही है कि प्लस वन प्लस वन प्लस वन कर 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 करके इनको आगे बढ़ा दिया गया फिर प्लस वन किया गया फिर विचार आ गया प्लस वन किया पाँच या फिर प्लस वन करके छः आएगा तो अगर हम छः जोड़ेंगे तो आ जाएगा चौबीस से आपका आंसर हो जाएगा यानी कि आपकी सेम नंबर की सीरीज भी चल सकती है आपकी प्लस वन करके सीरीज भी चल सकती है प्लस टू प्लस टू करके सीरीज़ भी चल सकती है और प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री इस तरह से भी आपकी सीरीज़ चल सकती है तो ये कुछ बे, बेसिक सी बातें हैं जो आपको सीरीज़ करते समय आपको याद रखनी है ठीक है सीरीज़ में कई सारे टाइप होते हैं कई सारे क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको करके बताए जाएंगे शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये एस एस सी सीजन दो हज़ार बाईस में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको कर, बताना है ये क्वेश्चन कैसे होगा इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है जैसे ये लिखा हुआ है तेरह सौ इकतीस दो हज़ार एक सौ फिर क्वेश्चन मार्क है फिर आपसे कह रहा है छः हज़ार आठ सौ उनसठ सिक्स एट फाइव नाइन तो आपको बताना है इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है और हमारा आंसर क्या आएगा देखिए ध्यान से देखिएगा आप ये अगर हम देखें तो क्या ये ग्यारह का क्यूब है या नहीं है ग्यारह का क्यूब है उससे पहले तो आपको क्यूब एटलीस्ट याद होने चाहिए बीस या तीस तक तो आपको याद होनी चाहिए कम से कम उसके बाद अगर हम ये देखें ये हमारा थर्टीन का क्यूब है या नहीं है है ठीक है ये जो हमारा है ये है उन्नीस का क्यूब नाइनटीन का क्यूब ओके यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या होगा अगर हम यहाँ पे लॉजिक लगाने की कोशिश करें पहले हम देखते हैं कि 11 से 13 कब होगा जब हम प्लस दो करेंगे ठीक ओके और मान लीजिए 13 में हम प्लस दो करें तो कितना आएगा 15 और इसमें हम प्लस दो करें तो कितना आएगा 17? लेकिन यहाँ पे तो उन्नीस सौ क्यों है इसलिए हमारा ये लॉजिक गलत हो गया आई बात समझ में अब हम देखते हैं आठ ने में बात बात को ध्यान से समझना बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ग्यारह में दो ऐड करेंगे तेरह आएगा मान लीजिए हम प्लस वन प्लस वन वाली सीरीज चलाते हैं और फिर यहाँ पे तीन ऐड करते हैं यानी दो से एक बढ़ा कर तीन ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा पंद्रह ठीक ग्यारह में हमने दो ऐड किया हमारा आया तेरह ये तेरह में हमने तीन ऐड किया हमारा कितना आएगा सोलह आएगा सॉरी हमारा तेरह तीन सोलह ठीक उसके बाद अगर हम चार ऐड करेंगे यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा बीस और बीस का क्यूब करेंगे तो अलग ही कुछ आएगा लेकिन यहाँ पर तो नाइनटीन आया हुआ है दिख रहा है तो हमारा ये लॉजिक भी यहाँ पे गलत हो गया आगे बात समझ में अब मान लीजिए एक और लॉजिक यहाँ पे चल सकता है अगर हम 11 प्लस दो करें 13 और फिर प्लस तीन करें 16 और फिर प्लस दो कर दें यानी कि अल्टरनेट हम चला रहे हैं जो हमने यहाँ वो यहाँ करें यानी जो यहाँ किया होगा हम इसके आगे करेंगे ठीक फिर भी यहाँ पर अठारह आ रहा है और यहाँ पर तो उन क्यूब दे रखा है यानी कि ये लॉजिक भी हमारा गलत हो गया आगे बात समझ में तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है अब इस क्वेश्चन से आप क्या चीज़ हैं कि ये तीन लॉजिक हम किसी भी क्वेश्चन में आगे चल के लगा सकते हैं ठीक है ये तीन चीज़ अभी हम यहाँ से सीख गए अब ग्यारह क्यूब है ये हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है ठीक तेरह है ये हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है तेरह के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा प्राइम नंबर आएगा सेवनटीन तेरह के बाद आपका प्राइम नंबर आएगा सेवनटीन राइट तो सेवनटीन आ जाएगा उसके बाद प्राइम नंबर आएगा नाइनटीन यानी कि यहाँ पे जो सीरीज़ फॉलो हो रही है वो हो रही है प्राइम नंबर वाली सीरीज़ फॉलो आई हाँ बात समझ में तो यहाँ पे सेवेंटी नाइन तीन का क्यूब हम करेंगे तो यही हमारा आंसर होगा और सेवनटीन का क्यूब कितना होता है जल्दी जल्दी बताइए क्यूब आपको याद है या नहीं याद है नहीं आया तो उसको याद कर लो भाई बहुत ज़रूरी है सेवनटीन का क्यूब होता है आपका चार हज़ार नौ सौ तेरह इसका मतलब आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर वन ये है आपका आंसर क्लियर क्लियर टू एवरी ठीक है बहुत ही धीरे से बहुत ही स्लो तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है आई होप आपको बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा इसमें हमने क्या कि ये सर हमने चार चीज़ें सीख ली हैं पहला सेम नंबर वाली सीरीज चल सकती है दूसरा अल्टरनेट नंबर सीरीज चल सकती है तीसरा प्लस वन वाली सीरीज़ चल सकती है ओके और चौथा प्राइम नंबर वाली सीमित हो सकती है ये चार चीज़ें हमने सीख ली और इन चार चीज़ों का उपयोग हम आगे चलने क्वेश्चन में भी करने वाले हैं क्योंकि इसी तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होता है आई बात समझ में आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर ये इसको आपको बताना है क्वेश्चन आपको दे रखा है सेवन ट्वेंटी वन सिक्सटी थ्री वन नाइन फाइव सिक्सटी सेवन क्वेश्चन मार्च ये है आपका क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कौन सीरीज़ चल रही है और आपको आंसर में से कुछ बताना है ठीक है सबसे पहले हम प्लस करके देखेंगे इसमें पर हम प्लस करके देखेंगे तो यार कुछ ज़्यादा ही हमें नंबर्स प्लस नहीं करने पड़ेंगे ठीक है यानी कि सात में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा तीन दस तेरह एक चौदह इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा उसके बाद हमें कितना लंबा जोड़ना पड़ेगा इसमें इसमें बहुत लंबा जोड़ना पड़ जाएगा तीन जगह छह बयालीस जोड़ना पड़ेगा ठीक इस तरह से हमें इसमें जोड़ना पड़ रहा है तो हम जोड़ने वाला यहाँ पर नहीं करेंगे जोड़ने वाला तब करिएगा जब थोड़ा सा आस पास आपको दिखे कम नंबर जोड़ने पर आपका आगे वाला आ जाए ठीक तब आप उसको बेसिकली तब उसको यूज़ करने की कोशिश करिएगा अदरवाइज मत करिएगा उसके जगह पर आपको क्या देखना है मल्टीप्लाई कर रहे कुछ हो रहा है क्या मल्टीप्लाई करके कुछ हो रहा है क्या हमें ये देखना है अगर हम सेवन में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी वन आएगा अगर हम ट्वेंटी वन में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी थ्री आएगा हमारा ये मिल गया हमको ये मिल गया अगर हम 63 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तीन त्रिकनौ त्रिच अठारह हमें यह भी मिल गया अगर हम 189 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 567 हमको तो ये भी मिल गया इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 वाली जो सीरीज़ है वो फॉलो हो रही है तो हम 567 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करिए इक्कीस के लगा दो तीन अठारह दो बीस की जीरो आँसा लगा दो पंद्रह दो सत्रह सत्रह सौ एक जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को समझ में आया इजीली या नहीं आया बताइए तो आपका आंसर है आंसर नंबर ओके क्लियर हुआ बहुत इजी क्वेश्चन था तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए सीजल में आया हुआ है थर्ड शिफ्ट में ठीक है आगे बात समझ में चलो आगे बढ़ते हैं ये हो गई आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज़ देखिए आर डी मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अब इस तरह क्वेश्चन हमें क्या करना होता है सबसे पहले तो हमें याद होनी चाहिए इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं आदें तो आपको बड़ा मुश्किल होगा यह क्वेश्चन सॉल्व करने में और वो आपको कैसे आएंगी वो आपको प्रैक्टिस से आएंगी ठीक मैं एक जगह लिख देता हूँ आपको मेरे का वैल्यूज जैसे ए है ए की होती है वन बी की होती है टू सी की होती है थ्री राइट डी की होती है फोर ई e की होती है फाइव ठीक है एफ सिक्स जी सेवन एच एट आई नाइन जे टेन ओके आपको याद रखनी है सारी चीज़ें एम थर्टीन एम फोर्टीन ओ फिफ्टीन ओके बाद क्या आता है पी सिक्सटीन क्यू सेवेंटीन आर एटीन एस नाइनटीन टी ट्वेंटी ओके उसके बाद क्या आता है U 21 V 22 W 23 X 24 Y 25 फाइव एंड जेड आपका हुआ 26 ठीक है ये आपको बिल्कुल नो जबानी रटा होना चाहिए अगर ये नहीं रटा है आपको तो बड़ी समस्या हो जाएगी आपको आई बात समझ में तो ये आपको हंड्रेड परसेंट याद होने चाहिए बोले कैसे याद होंगे आपको आपको इसको रटना नहीं है याद नहीं करना आपको क्या करना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो प्रैक्टिस करते करते आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आगे बात समझ में मैंने भी आज तक कभी याद नहीं किया मैं सिर्फ प्रैक्टिस करी और मुझे अब बहुत ही अच्छे से याद है ठीक है आर का क्या होता है एटीन डी का होता है फोर जे का होता है टेन एफ का होता है सिक्स डी का होता है फोर जे का होता है टेन एग डबल्यू जेड ट्वेंटी सिक्स टी सिक्सटीन है बताना है यहाँ पर क्या आएगा बताइए क्या हो सकता है बहुत ही सिंपल है देखो इससे मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि ये अठारह है ये दस है यहाँ पे कितना माइनस हुआ है माइनस आठ फिर मैं दिख रहा है यहाँ पे दस है और यहाँ पे चार है यहाँ पे कितना माइनस हुआ है माइनस 6 फिर मैं देख रहा है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 26 है पे कितना माइनस हुआ है माइनस चार भाई D में अगर चार माइनस करोगे तो यानी कि D का होता है चार तो चार माइनस चार हुआ ज़ीरो जीरो, जीरो यानी कि आपका लास्ट वाला जो तो डिजिट है वो आ जाएगी देर विल बी ट्वेंटी सिक्स आई बात समझ में ओके तो इस वजह से यहाँ पे क्या आया आपका ट्वेंटी सिक्स अब हमें यहाँ से कितना माइनस करना है माइनस टू माइनस टू करेंगे तो कितना आएगा छब्बीस में दो माइनस करेंगे तो कितना आएगा चौबीस चौबीस क्या होता है हमारा चौबीस हमने पढ़ा था ये एक्स आई ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स ठीक अब ऑप्शन में देखो एक्स कहाँ पे पहले ऑप्शन में दिख रहा है तो यानी ये हमारा सही हो सकता है चलो तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं दूसरे में क्या लॉजिक लगा है दूसरे में क्या लॉजिक लगाया है यहाँ पर आपको चार दिख रहा है ये यहाँ पर छः दिख रहा है यानी यहाँ पर हुआ है प्लस ओके यहाँ पर छः दिख रहा है यहाँ पर दस दिख रहा है यानी हुआ है प्लस चार यहाँ पे दस दिख रहा है यहाँ पे सोलह दिख रहा है यानी हुआ है प्लस छः अब यहाँ पे सोलह दिख रहा है यहाँ पे हमें क्या होगा हम क्या करेंगे प्लस आठ करेंगे कितना करेंगे हम तो कितना आ जाएगा चौबीस चौबीस यानी कि एक्स यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो है डबल एक्स यानी कि सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया क्लियर है यहाँ पर आप समझे कि हमने एट माइनस सिक्स फिर फोर फिर माइनस दो ऐसे क्यों किया आप देखो दो दो की सीरीज़ चल रही है दूसरी सीरीज़ भी चला के देख सकते हो दो दो की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है इस तरह से यहाँ पे भी दो दो की सीरीज़ चल रही है इस तरह से ठीक ओके तो आप दूसरी सीरीज़ भी नीचे चला करके देख सकते हो आई होप आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कोई भी डाउट दिमाग में किसी भी तरह का आपके अंदर नहीं होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये जो क्वेश्चन है आपका ओ यस Z यू डी सी डी एफ जी मार्क है देन क्यू आर एस टी यू वी इसमें हमें क्या दिख रहा है सबसे पहले वाई के बाद जेड आता है वो हमारा आ रहा है यानी पच्चीस के बाद छब्बीस आ रहा है ठीक उसके बाद इन्होंने शुरू किया बी सी डी यानी दो तीन चार बीच में जो ए आया था यानी नंबर वन वो यहाँ पे इन्होंने गायब कर दिया यानी एक को इन्होंने गैप करके उसके बाद से लिखना शुरू किया है डी के बाद अगर हम देखें तो आता है हमारा क्या ई e. उन्होंने ई को गायब कर दिया यहाँ पे इनको नहीं यूज़ किया है और फिर किया है एफ जी एच आई यानी चार के बाद शुरू किया है उन्होंने छः छः छे, सात आठ नौ इसका मतलब है कि इसके बाद जो आएगा दस दस यानी कि आपके पास जे जे जो है यहाँ से गायब हो जाएगा उसके बाद शुरू होगा आपका ग्यारह नंबर से यानी के से के एल एम एन ओ ठीक जैसे शुरू होगा के एल एम एन ओ के एल एम एन ओ यानी कि ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह इसके बाद एक और फिर से गायब होगा गैप करेंगे क्या उसके बाद क्या आता है पी पी आता है यानी सोलह इसको हम गायब कर देंगे इसको नहीं लिखेंगे फिर लिखेंगे हम क्यू से क्यू आर एस टी यू वी इसमें ये लॉजिक लगा हुआ है तो आपका ऑप्शन देखें क्या हो जाएगा के एल एम एन ओ कहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है हमारा सी नंबर पे तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ठीक ईजी था सिंपल था आया बात समझ में तो इन्होंने इनको क्या किया है गैप कर दिया है इसको जो है छोड़ दिया है एक एक छोड़ करके उसके बाद इन्होंने सीधा सिंगर सीज़ वाइस लिख दिया है इतना ही उन्होंने किया है ठीक है आगे बात समझ में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर एस सी डी एच एस एल में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है बताइए कैसे होगा बहुत ही सिंपल तरीका होता है अगर आपको नंबर्स याद हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए भी थे आपको वो बिल्कुल अच्छे से जो है याद रखने हैं प्रैक्टिस करते करते आपको क्वेश्चन में लिख लिख करके सॉल्व करना है तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे उससे बेहतर तरीका उसको याद करने का कुछ भी नहीं है ठीक है या तो हम सीधा सीरियल वाइज देख सकते हैं कि ए बी सी डी का जो सीरियल होता है उसके हिसाब से यू वी डब्ल्यू एक्स क्या ये एक सीरियल में नहीं चल रहा है एक सीरील से आ रहा है ये ओके okay, उसी तरह से आर एस टी यू फिर क्यू पी वन सेकेंड दिस इज ओ दिस इज़ ओ इज़ नॉट क्यू ओके दिस इज़ पो ओ पी क्यू आर यानि कि यह एक सीरियल वाइज चल रहा है ठीक है जैसे ए बी सी डी होता है ए बी सी डी उसी तरह से एक सीरील वाइज यहाँ पे चल रहा है ओके इसका मतलब ये शुरू होगा यहाँ से टी यू वी डब्ल्यू एक्स ओके उसके बाद क्यू आर एस टी यू उसके बाद एन ओ पी क्यू आर आई बात समझ में तो आपको आंसर हो जाएगा टी क्यू एन यानी ये इस तरह से चल रहा है टी यू वी डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी में इसी तरह से होता है ना इसी सीरीज में लिखा होता है तो वही सीरीज़ इन्होंने यहाँ पे चलाई है ओके क्यू पी आर एस टी ठीक है इस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो है चलाई हुई है एक सीरीज़ ठीक है तो यहाँ पे यही लॉजिक फॉलो हो रहा है इसका हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड आगे बात समझ में विदाउट कोई परेशानी कोई समस्या अगर है तो बताइए देखिए क्यू आर एस टी यू लिखा हुआ है एन ओ पी क्यू आर इस तरह से लिखा हुआ है ठीक है आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन सी एच एस एल में आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन फ्री के हैं आपको उसको देख के ही कर देना चाहिए ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट ये आया हुआ है एस एस सी सी एच एस एल में ठीक चौबीस पाँच दो हज़ार बाईस इवनिंग के तो फिर आपसे क्या कह रहा है तेरह चौदह कुछ लॉजिक लग रहा है आपका इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है दस सेकेंड में करके बताइए अभी हमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी है इससे अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी जल्द चलेंगे आई होप आप समझ रहे कैसे इसको करना है देखिए तेरह से चौदह आया हमने एक बढ़ाया ठीक उसके बाद यहाँ से कितना आया नौ तो ये नौ तीन का स्क्वायर लग रहा है हमको यहाँ पे हमने तीन का स्क्वायर किया और यहाँ पर बात है एक का स्क्वायर एक ही होता है ठीक उस ट्रेक कितना बढ़ रहा है अगर हम एक और तीन उसके बाद हम पाँच का कर स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपकी सीरीज़ फॉल हो रही है आउट फिलहाल हमको यही लग रहा है आगे हम देखते हैं ये सही बैठती कि नहीं बैठती पाँच का कर स्क्वायर करेंगे पच्चीस और पच्चीस को अगर हम जोड़ेंगे तेईस में तो आ जाएगा हमारा अड़तालीस ठीक उसके बाद हम करते हैं सेवन का स्क्वायर यानी सेवन का स्क्वायर होता है आपका फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन को अगर हम इसमें ऐड करेंगे नौ और सत्रह सत्रह आठ एक नौ आ गया ठीक અને જ અમારી ઓડ સિરીઝ અહીંયા પે ફોલો ઓરીએ સ્કવર અમે ગન કે 9 પર સ્ક્વેર 9 પર સ્ક્વેર ગણ કે કેટના આયગા 81 તો तो 81 કોમ 97 મે એડ કરેંગે 7 + 1 8 9 + 17 9 + 8 17 ઠીક હે ઉસકે અમે કે સ્ક્વેર કરેંગે 11 કે સ્ક્વેર કરેંગે 11 કે સ્ક્વેર કરેંગે કેટના આયગા 121 તો 121 કોમ એડ કર દેંગે 178 મે ઉસકો અમે એડ કરેંગે તો કેટના આયગા 89 729 112 કે દેખીએ આન્સર મે ક્યાં આ રહા ઉસ જણ પર આન્સર મે આ રહા તો યે હો ગયા આપકા જવાબ इंडिया नंबर है आपका आंसर ओके है ओके रिपोर्ट है आगे बात समझते हैं यहाँ पे सीरीज आपको फॉलो हो रही और सीरीज और और नंबर को बढ़ा बढ़ा करके इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया या फिर आप उसमें एकोलॉजी लगा सकते हो प्लस दो हो रहा है फिर 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 स्पायर हो रहा है आप चाहो तो ये भी कर सकते हो आप कुछ भी तरह का सीरीज लगा सकते हो चाहो तो कुछ भी समझ से लगा सकते हो चाहो तो यहाँ पे ऑड नंबर की लगा लो सीरीज़ या फिर आप कह दो कि सारे ऑड नंबर लिखे हुए हैं क्यों सब में प्लस टू प्लस टू प्लस टू हो रहा है ठीक है ठीक ओके आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सीन पर आपको इसको तो करना है क्वेश्चन आपसे कह रहा है टेन ट्वेंटी जल्दी से करिए इसको दस सेकेंड है आपके पास क्या मैं तुरंत बताना शुरू कर दूँगा कैसे क्या होता है ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन कैसे होगा देखिए इसमें क्या लो लग रहा है इन्होंने दस गुणे दो किया आया क्या बीस इमीजिएट क्वेश्चन लिखते ही लिखते समझ में आ गया इसमें क्या हो सकता है फिर उन्होंने बीस प्लस तीन किया आ गया तेईस ठीक फिर उन्होंने तेईस से मल्टीप्लाई किया चार का ठीक कितना आया चार तीन बारह के दो हासिल लगी एक चार दो तीन आठ एक नौ यानी कि नाइन्टी टू फिर नाइन्टी टू में उन्होंने क्या प्लस किया, किया पाँच तो आया नाइन्टी सेवन फिर नाइन्टी सेवन में मल्टीप्लाई किया सिक्स का और सिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आ गया फाइव एटी टू यानी इसके आगे अगर कोई सीरीज होती तो वहाँ पर होता प्लस सेवन देखिए और नंबर की सीरीज़ चल रही है यहाँ पे इवेंट नंबर की सीरीज चल रही है और सब में प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू फोर आया है तो आपका जो आंसर हो जाएगा हो ना, बताएगा ना, नाइन्टी टू बात आ गई समझ में कोई डाउट है कोई परेशानी है कोई समस्या ओके रिपोर्ट है ओके जी ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं समझ में आए तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम मेरे दे देता हूँ आई एम अंडर स्कोर विशाल वन ज़ीरो सेवन आप इससे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं वैसे आपको समझ में आ जाएगा मेरी गारंटी है नहीं आ रहा कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर ये क्वेश्चन करना है आपको बताइए कैसे होगा सत्रह सौ चौबीस सत्रह सौ सोलह सोलह सौ नवासी सोलह सौ सो, पच्चीस पंद्रह सौ आपको बताना है क्वेश्चन कैसे होगा मैं भी आपके साथ ही साथ करूँगा मुझे भी नहीं पता इसमें क्या होने वाला है पर देख के इसको कुछ ना कुछ लॉजिल लगाते हैं इसमें इसको साथ में सॉल्व करते हैं कैसे करना है देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कितना माइनस हुआ है आठ आठ क्या होता है हमारा चौबीस चार चार हाँ आठ माइनस हुआ आठ होता है हमारा दो का क्यूब ठीक है दो क्यूब हो रहा है तो यहाँ पर क्या कितना माइनस हो रहा है सोलह में नौ जाएगा बचेगा कितना सात ठीक है सोलह में नौ जाएगा बचेगा हमारा सात उसके बाद बचेगा तो दस में आ जाएगा दो तो, ये कितना क्यूब है ये है तीन का क्यूब ठीक है यानी हो सकता है यहाँ पे क्यूब वाली सीरीज फॉलो हो रही हो तो यहाँ पे हम हम चार का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना आएगा चार क्यूब अगर हम करेंगे तो आएगा सिक्सटी फोर चौंसठ यानी कि अगर हम चौंसठ इसमें जोड़ेंगे माइनस करेंगे तो नौ में पाँच जाएगा छः आठ आठ में दो जाएगा छः ठीक ये हमारा सही हो गया यानी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पाँच का क्यूब करके देखते हैं क्या हमारा सॉल्व हो रहा है जी आएन इनके बीच क्या 125 का अंतर है बताइए पाँच से पाँच गया ज़ीरो दो में दो गया जीरो छः में गया पाँच जी एक सौ पच्चीस का अंतर है तो उसके बाद क्या होगा आपका छः का क्यूब होगा छः का क्यूब यानी कि दो सौ सोलह अब प्लस होगा कि माइनस होगा माइनस होगा कि सब में माइनस होते जा रहा है तो उसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा दस में छः जाएगा चार नौ में एक जाएगा बचेगा कितना आठ चार में दो जाएगा बचेगा दो उसके बाद एक हज़ार दो सौ चौरासी दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर ओके है आगे बात समझ में कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई परेशानी लॉजिक में कोई भी दिक्कत या आते क्या सीरीज़ चल रही है सेकेंड सीरीज है आपकी प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन ठीक ओके ओ रिपोर्ट है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये आप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एच एस एल में आया हुआ है थर्टी वन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मॉर्निंग सेशन में आपका क्वेश्चन कह रहा है फिफ्टी एट हंड्रेड एंड सेवनटीन टू थर्टी सेवन फोर सेवेंटी नाइन नाइन सिक्सटी फाइव आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद देखिए बहुत सिंपल है फिफ़्टी एट में टू का मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आएगा एक सौ सोलह और प्लस का वन करेंगे तो कितना आएगा एक सौ सत्रह आई बात समझ में एक सौ सत्रह दो का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दो सौ चौंतीस प्लस थ्री करेंगे तो कितना आएगा टू हंड्रेड एंड थर्टी सेवन यानी कि ये आ गया आपका और ये आ गया यहीं यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है इनटू टू करके हमें और नंबर्स को ऐड करना है एक सीरीज़ में ठीक है उसके बाद टू थर्टी सेवन आ गया आपका इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दो सत्ती चौदह छः एक सात होते चार इसमें हमें क्या ऐड करना है इसमें ऐड कर रहे हैं फाइव तो हमारा क्या आ गया फोर सेवनटी नाइन यानी हमारा ये भी मिल गया यानी इसमें यही सीरीज़ चल रही है आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए इसमें कैसी सीरीज चल रही है सिंह मुझे नहीं पता इसमें क्या होना है मैंने देखा है इसमें रोची लगाया मुझे लगता है यार ये हो सकता है तो मैंने इसको इसे सॉल्व किया ओके फोर सेवेंटी नाइन एटी टू करेंगे कितना आएगा दोनों नाशन लगे एक चौदह एक पंद्रह तो सौ को आठ एक नौ ठीक इसमें क्या हमें ऐड करना है सेवन ऐड करना पड़ेगा तब आएगा नाइन सिक्सटी फाइव इसमें सीरीज क्या चल रही है प्लस का वन कर रहे हैं प्लस का थ्री कर रहे हैं प्लस का फाइव कर रहे हैं प्लस का सेवन कर रहे हैं यही सब में दो दो जोड़ करके ये उसको ऐड करते जा रहे हैं उसमें पहले वाले जो आपका नंबर है उसमें इंटू करके ठीक है या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ये सिर्फ और, और नंबर की सीरीज़ को जो है चला रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं ठीक दो तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो और कर सकते हो ओके तो अगर हम हमें आंसर निकालना है तो आंसर निकालिए कैसे निकलेगा हमारा नाइन सिक्सटी फाइव भी आया है इसमें हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा टू को मल्टीप्लाई करने पर दो पंचे दस दक्ष बारह एक तेरह दोनों अठारह हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें दोनी अठारह एक उन्नीस यहाँ पर उन्नीस होगा हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा नाइन यानी आपका जो आंसर आएगा वन नाइन थ्री नाइन वन नाइन थ्री वन कहाँ पर है फर्स्ट नंबर पर है तो ये हो गया आपका आंसर ओके जी तो ये हो गया आपका आंसर समझ में आया इसमें क्या हो रहा है इसमें ये लॉजिक लग रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है आप लोग पहले करिए देखिए एस एस में आया हुआ है ये क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे भी और कुछ और तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा से टफ़ होंगे वो भी मैं आगे चल के आप कराऊंगा इस बैच का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना इसलिए हम लॉजिक पे थोड़ा सा कम टाइम वेस्ट करेंगे और आपको प्रैक्टिस कराएंगे बट आपको बेसिक बता देंगे क्यों ये क्वेश्चन ऐसे क्यों हुआ है आई बात समझ में देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि टेन लिखा हुआ है देन फोरटीन लिखा हुआ है देन थर्टी वन देन थर्टी फाइव सेवेंटी थ्री तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है सबसे पहले हम देखते हैं कि दस के बाद चौदह प्लस करने में बहुत ही कम नंबर का यूज़ होगा यदि प्लस फोर तो हमने यहाँ पे कर दिया उसका यूज़ हो रहा है हमारा प्लस सेवनटीन हमने प्लस सेवनटीन कर दिया उसके बाद हमारा हो रहा है प्लस फोर्टीन हमने प्लस फोटीन कर दिया ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है कि आखिर सीरीज़ ऐसी है क्यों उसके बाद हमारा हो रहा है यहाँ पे प्लस का थर्टी एट प्लस का थर्टी एट कर दिया फिर हो रहा है हमारा प्लस का फोर तो यहाँ पे लॉजिक क्या काम कर रहा है हमको ये देखना है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा ये हमको बताना है आई बात समझ में ओके रिपोर्ट है ठीक है जी अब आपको ये देखना है कि अब क्या देखना है कि इसमें क्या लो ही चला देखिए यहाँ पे प्लस का फोर ही है मैंने फोरटीन लिया था गलत तरीके से यानी कि देखिए यहाँ पे फोर हो रहा है प्लस का यहाँ पे प्लस का फोर हो रहा है यहाँ के प्लस का फोर हो रहा है नहीं यानी कि आपको बीच का ये दो चीज़ें हैं इनको थर्टी वन सेवेंटी थ्री इसको छोड़ करके अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमारा प्लस फ़ोर हो, हो रहा है बट यहाँ पे हमारा क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ट्वेंटी वन ऐड हो रहा है हमारा आई बात समझ में तो ट्वेंटी वन क्यों हो रहा है सेवनटीन प्ल फोर यानी कि इस सेवनटीन को हमने यहाँ लिख दिया है और ये जो फोर है आपका हमने इसको यहाँ पे लिख दिया इनको जोड़ करके हमने लिखा तो हमारा थर्टी एट आ गया उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे थर्टी एट यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा तो थर्टी एट हमारे यहाँ पर ऑलरेडी था ठीक है और प्लस का फोर ये यह हम यहाँ से तो उठा लेंगे इसको ऐड कर लेंगे हो गया आपका फोर्टी टू तो फोटी टू को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर फोर्टी टू को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा एट्टी राइट और एट्टी को हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सेवन आठ सात पंद्रह तो वो फिफ्टी सेवन जो है आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया आगे पास में यहाँ पे हमने क्या किया आंसर नंबर है आपका सी क्लियर है ओके okay, रिपोर्ट है अगला क्वेश्चन कर... ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें क्या लॉजिक रहेगा देखिए आपको लिखा हुआ है सेवन इलेवन पाँच सेकेंड में इस क्वेश्चन में दिमाग आइए कैसे होगा ये उनतीस और क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को इसको हम कैसे करेंगे बहुत ही ईजी है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको बस फाइंड आउट करना है इसमें क्या लॉजिक लग रहा है देखिए सात से ग्यारह कैसे आ सकता है अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा सात प्लस चार ग्यारह हो जाएगा फिर यहाँ पे तीन हो जाएगा बट अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा छः और पाँच ग्यारह फिर हम यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा चार फिर हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा पन्तनवे हो जाएगा छह सै जाएगा तो छब्बीस हो गया यानी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या लॉजिक चलेगा इसलिए हम वाला बेहतर हमारा यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं करने वाला तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे हम कोई लगा के देखेंगे इसके अलावा हम यहाँ क्या पे क्या कर सकते हैं हमारा ग्यारह कैसे आ सकता है अगर हम सेवन में टू का मल्टीप्लाई करें तो आएगा फोर्टीन और फोर्टीन में तीन माइनस करें तो आएगा इलेवन आई आए बात समझ में यानी हमारा ये हमको मिल गया अब एलेवन से फोटीन कैसे आएगा इलेवन में हम ऐड कर देंगे थ्री तो हमारा आ जाएगा फोटीन ओके अब फोर्टीन में यानी हमको ये भी मिल गया और ये भी मिल गया अब फोर्टी में टू का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ट्वेंटी एट माइनस कर देंगे तीन आ गया पच्चीस और अब पच्चीस में अगर हम चार ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा उनतीस ठीक है और ट्वेंटी नाइन में हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे यानी हमको ये भी मिल गया और ये भी मिल गया ट्वेंटी नाइन में टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फिफ्टी एट माइनस का थ्री करेंगे तो आएगा हमारा फिफ्टी फाइव और फिफ्टी फाइव में हम कितना ऐड कर देंगे यहाँ पे पाँच हमारा आंसर आ जाएगा सिक्सटी अब पाँच क्वेश्चन समझिए हमने क्या किया सबसे पहले हमने इसको टू से मल्टीप्लाई किया और माइनस थ्री किया तो हमारा आ गया ग्यारह जो हमको यहाँ पे मिल गया हमने फोर्टीन लाने के लिए इस पर तीन को प्लस कर दिया ओके फिर हमने सेम प्रोजीजर हमने नेक्स्ट नंबर पर अपनाया फोटी इंटू टू इसको ट्वेंटी एट माइनस थ्री इसको ट्वेंटी फाइव अब यहाँ पे ट्वेंटी फाइव प्लस फो कर दिया आपका आंसर आ गया यहाँ पे क्या नेक्स्ट आ गया ट्वेंटी नाइन यहाँ पे फोर हमने किया क्योंकि हमें यहाँ पे ट्वेंटी नाइन लाना था और हमको एक सीरीज बनानी थी पहले हमने थ्री किया उसके बाद हमने तो पहले हमने थ्री किया उसके बाद हमने फोर किया उसके बाद हम क्या करेंगे फाइव ये एक तरह की प्लस वन वाली सीरीज़ चल रही है आगे बात समझ में तो आपका आंसर आ जाएगा सिक्सटी ओके रिपोर्ट है आ गया क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत कोई समस्या कोई डाउट कोई डाउट हो तो तुरंत मुझे मैसेज करना मैं आपको रिप्लाई करूँगा ओके आपको पूरी सॉल्यूशन में दूंगा अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कैसे होगा गौर से देखिए क्वेश्चन पाँच सेकंड है आपके पास आपको क्वेश्चन करना जल्दी जल्दी करिए ताकि मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन इस क्लास में करा पाऊँ क्या लिखा हुआ है 256, देन 123 देन 66 देन दिस देन 18 एंड देन 6 ठीक हमें आउट करना है कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा देखिए हमें कैसे भी करके सॉल्व करना है तो हमें इसके बाद ये लाना पड़ेगा कैसे ये कैसे आएगा ये हमें देखना है अगर हम 256 में 10 माइनस कर दें तुम्हारा कितना आ जाएगा टू फोर्टी सिक्स और उसको हम टू से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी थ्री यानी हमको ये मिल गया आगे बात समझ में अब वन ट्वेंटी थ्री में अगर हम नो ऐड करते हैं कितना आ जाएगा हमारा वन थर्टी टू और इसको हम दो से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा सिक्सटी सिक्स हम हम तो हमको ये भी मिल गया हमको ये भी मिल गया अब आ रहा है आपका सिक्सटी सिक्स तो सिक्सटी सिक्स में अगर हम आठ को माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा फिफ्टी एट और इसको हम दो से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा ट्वेंटी नाइन ठीक है हो सकता है हमारे यहाँ पे आंसर ट्वेंटी नाइन आ जाए अब अगर इसके बाद भी ट्वेंटी नाइन के बाद भी सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है हमारा सेम सीरीज़ लग रही है तो हमारा ये आंसर सही होगा कैसे अगर ट्वेंटी नाइन से हम सात को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स और इसको हम दो से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा एट्टीन देखिए एट्टीन भी हमको मिल गया यानी ये सीरीज़ हमारी सही है तो और बात चेक कर लेते हैं अगर एटीन ने हमने सिक्स माइनस कर दिया तो हमारा आ जाएगा कितना ट्वेल्व उसको हमें दो से डिवाइड कर दिया जाएगा हमारा छः यानी हमको छः भी मिल गया इसका मतलब आपका जो आंसर है वो है ट्वेंटी नाइन आगे बात समझ में अब देखिए यहाँ पर भी एक सीरीज़ चल रही है सीरीज़ का जो चैप्टर है उसमें कोई ना कोई लॉजिक जो है फॉलो होता है रहता दे, है जैसे देखिए ऐसे हमने दस किया माइनस ट्वेल ने प्लस का नो किया फिर हमने एट का माइनस किया फिर मैं सात का प्लस किया फिर मैं छः का माइनस किया ठीक है यानी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने एक सीरीज़ जो है यहाँ पे लगा दी आई बात समझ में और सब में देखिए हमने दो से डिवाइड किया है सब में आई बात समझ में ओके ठीक है तो ये हो गया हमारा आंसर आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार लगाने की क्वेश्चन तब जाके आपके दिमाग में सारी चीज़ें कि यार ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता, ये ऐसे सकता। है एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कर ये क्वेश्चन आपको करना है देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दिमाग दौड़ाइए क्वेश्चन कैसे होगा आपको क्वेश्चन में ही क्वेश्चन लिख के दिया गया है क्यू यू ई एस टी आई ओ एन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में है देखिए एमटीएस में आया हुआ है तो यहाँ पे हुआ क्या है हमको ये देखना है शुरू किया जाए कुछ समझ में आ रहा है आपको कैसे होगा देखिए सबसे तो पहले आपको देखना है ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है यू एस आई एन ई टी यू तो ये कहाँ से है हमको देखना इन्होंने क्या किया है आपकी जो सेकेंड वाली पोजिशन में जो लेटर है उसके बाद फोर्थ नंबर की पोजिशन में जो लेटर है उसके बाद सिक्स नंबर की पोजिशन में जो लेटर है उसके बाद एट्थ नंबर की पोजिशन में जो लेटर है उसको पहले इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है देखिए यू एस आई एन ठीक है इन्होंने क्या किया है यू को यहाँ से गायब कर दिया है यानी कि फर्स्ट जो लेटर है आपका उसको इन्होंने गायब कर दिया और उसके बाद ये लिखने के बाद इन्होंने उठाया है थर्ड नंबर वाले से यानी यहाँ से इसको उठाया है ई को फिर उठाया है टी को फिर उठाया है ओ को देखिए ई को उठाया है टी को उठाया फिर उठाया ओ को सेम प्रोसीजर हमको इसमें फॉलो करना है इसको लाने के लिए हमें इसमें फॉलो करना पड़ेगा तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है पे भी इन्होंने सेम चीज़ करी है कैसे होगा इन्होंने क्या किया है सेकेंड पोजीशन पर एस है पहले इसको उठाया है फिर एन को उठाया है फिर टी को उठाया देखिए एस एन टी उसका इन्होंने फिर आई को उठाया है फिर ई को उठाया है फिर ओ को उठाया आई ई ओ आगे बात तो समझ में ने, अब नेक्स्ट वाला में हमारा कैसे बनेगा नेक्स्ट वाला हमारा कैसे बनेगा ये अगर लिखा हुआ है तो यहाँ से कैसे बनेगा हम सेकेंड प्जिशन वाले को उठाएंगे फिर इसको उठाएंगे फिर उसको उठाएंगे यानी कि एन आई और ओ हमारा आ गया उसके बाद पहले वाले को छोड़ना है हमें इसको हम छोड़ देंगे तो हम यहाँ से उठाएंगे टी और ई फिर हमने यहाँ लिख दिया टी और ई हमें बताना है इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा सेकंड वाले को उठाएंगे आई उठाएंगे टी आई लिखेंगे फिर टी लिखेंगे इसको हमें छोड़ना है इसको छोड़ देंगे फिर ओ लिखेंगे ई लिखेंगे ओ लिखेंगे ई लिखेंगे ये हो गया आपका आंसर यानी कि आई टी ओ हो गया आपका आंसर ठीक ये है आपका आंसर आगे बात समझ में वैसे क्वेश्चन भी आते हैं जिन्होंने सब में क्या किया जो पहला वाला लेटर उसको उन्होंने गायब कर दिया काट दिया उसको नहीं लिखा है ठीक है उसके बाद इन्होंने सेकेंड वाले क्वेश्चन उठाया है, फिर अल्टरनेट इन्होंने उठाते चले गए हैं फिर वापस आके फिर से इन्होंने अल्टरनेट उठाया ठीक है।, है तो ये हो गया आपका आंसर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर... ये क्वेश्चन देखिए एस एस सी में आया हुआ है दो हज़ार इक्कीस में इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सी सीरीज़ चल रही है आप में सभी ये क्वेश्चन पहले ही कर रखे होंगे इसको हम फिर से यहाँ पर करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करते हैं जे पी डैस एल डी फिर डैस फिर पी फिर डैश देन एम डी जे डैश सी डैश डी डैश पी सी डैश डी इसमें एक लॉजिक होता है आपको सबसे पहले सारे लेटर्स काउंट कर लेने कितने टोटल लेटर्स में दिए गए हैं ट्वेंटी ठीक अब हमें इसको डिवाइड करना है किसे डिवाइड करेंगे इसको हम अगर दो से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ दो भागों में इसको हम बांट पाएंगे यानी अगर दो सेवाइड करते हैं तो मान लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यानी इसको हम यहाँ तक बांट पाएंगे तो इतना लंबी सीरीज़ बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ से नहीं काटेंगे ठीक अगर तीन से कटेगा नहीं अगर हम इसको चार से काटते हैं तो कितने भागों में कट जाएगा ये पाँच भागों में यानी एक दो तीन चार पाँच काट दिया एक दो तीन चार पाँच काट दिया एक दो तीन चार पाँच काट दिया एक दो तीन चार पाँच ये आपकी पाँच पाँच की सीरीज़ बन गई ठीक है तो पाँच की सीरीज़ जो है हम यहाँ पे बना सकते हैं ठीक है इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो सकता है जे पी डैस एल डी अच्छा यहाँ पे पी है और यहाँ पे डैश है एम डी है ठीक तो यानी कि हम पहले ये देखें कि पहला लेटर हर हाँ जगह क्या है यहाँ पे जे है यहाँ पे पता नहीं है यहाँ पे जे है यहाँ पे पता नहीं ठीक यानी पहला लेटर शायद हमारा जे हो सकता है चलो ठीक है हो सकता है चलो देखें तो देखेंगे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ठीक दूसरा हम देख लेते हैं पी है पी है यहाँ पे पता नहीं है यहाँ पे भी पी है तीन जगह पी है तो हो सकता है शायद दूसरा लेटर हमारा पी हो ठीक तीसरा हम देख सकते हैं तीसरा हमारा ये रेटर है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है पर यहाँ पे सी लिखा है और यहाँ पे भी सी लिखा है तो शायद हमारा सी हो सकता है यानी जे पी सी हमारा बन गया अभी तक देखते हैं फिर देखते हैं चौथे में एल लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है एम अच्छा एल क्या होता है बारह एम का होता है तेरह यानी इससे प्लस वन हुआ है ठीक अच्छा फिर हम आते हैं यहाँ पे क्या होगा एल एम अच्छा एल के बाद एम आता है फिर एम के बाद क्या होता है एन तो शायद हो सकता है यहाँ पे एन आ जाए ठीक है अगर हम यहाँ पे एन कर देंगे तो ये हमारा प्लस वन हो जाएगा दैट इज़ फोर्टीन और फिर हम यहाँ पे प्लस वन कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एम एंड ओ ये हो जाएगा हमारा फिफ्टीन ठीक ऑप्शन ऑप्शन हम देख सकते हैं कि लास्ट में ओ है यानी कि ओ लास्ट में हंड्रेड परसेंट जाएगा देखिए यहाँ पे भी ओ है यहाँ पे भी ओ यहाँ पे भी हो पी सिर्फ एक में है तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई ठीक तो ये हमारा अभी फिलहाल के लिए गलत हो गया अब हम देखते हैं जे पी सी हमको मिल गया लास्ट में पहले वाले में फिर हमको एल मिला और डी डी देखिए सब में कॉमन है डी जो है सब में कॉमन है ओके यानी जे पी सी एल डी हमारी एक सीरीज बन गई लेकिन हमें देखना है कि जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे एम है थर्ड में एन है और फोर्थ में ओ है यानी कुल मिला के क्या हो रहा है जो सीरीज़ है आपकी जे पी सी एल डी जे पी सी और डी ये तो सब में सेम है बट ये एल की जो सीरीज़ है वो सब में प्लस वन हो रही है यानी कि आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जे पी कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझ में आएगा जे पी सी एल डी ओके यहाँ पे भी जे यहाँ पे भी पी नहीं जे पी उसके बाद जे पी उसके बाद सी एम डी ठीक है एम यहाँ पे एल था एक बढ़ गया फिर यहाँ पे भी जे पी सी एन डी और यहाँ पे जे पी सी पो डी आगे बात समझ में तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा क्लियर है ओके रिपोर्ट है आ रहा समझ में कि यहाँ पे बस शुरुआत के जो तीन लेटर हैं और लास्ट का जो है वो बिल्कुल सेम है बस यहाँ पे जो है उसमें प्लस वन प्लस वन जो है होता गया है यानी एल था उसके बाद एम आया है फिर एन आया उसके बाद को आया है आगे बात समझ में आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा पाँच सेकेंड आया कैसे होगा वन टू टेन थर्टी सेवन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमें पता करना है क्या आएगा फे ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी सिक्स बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा चलिए बताते हैं देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है ऐसे के बीच में क्या हो सकता है मैंने माल लगाना है इन्होंने क्या किया है एक का क्यूब किया है प्लस का वन किया है ठीक अगर हम यहाँ पे एक का स्क्वायर प्लस वन करके भी देखें तो हमारा यही आएगा ठीक है यानी कि यहाँ फ़िलहाल दो आया यहाँ पे भी दो आया अब हम देखते हैं दूसरे वाले नंबर पे दस कैसे आया अगर हम दो क्यूब करेंगे और फिर प्लस दो करेंगे तो दस हमारा आ जाएगा पर अगर हम दो का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस का दो करेंगे तो हमारा कितना आएगा छः यानी कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे क्यूब होगा ठीक ये हमारा गलत हो गया तो हम इसको यहाँ से मिटा देंगे ये हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता हमारा क्यूब प्लस करके हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है ठीक उसके बाद हम करेंगे थ्री का क्यूब थ्री का क्यूब करेंगे फिर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा सैंतीस कैसे आएगा थ्री क्यूब करके हम दस जोड़ेंगे तब तो हमारा सैंतीस आएगा और दस कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर यानी ये क्या कर रहे हैं क्यूब करने के बाद जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ऐड कर रहे हैं क्यूब करने के बाद जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ऐड कर रहे हैं क्यूब करने के बाद जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ऐड कर रहे हैं और एक एक नंबर बढ़ा करके ये क्यूब करते जा रहे हैं तो यहाँ पे चौथे में क्या होगा फोर का क्यूब प्लस थर्टी सेवन फोर का क्यूब क्या होता है सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सेवन यानी कि हंड्रेड एंड वन ऑप्शन में हंड्रेड एंड वन दिख रहा है दिख रहा है बट अभी हम इसको सही नहीं करेंगे इसके बाद हम फिर से चेक करके देखेंगे कि टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है फोर क्यूब कर लिया हमें ठीक है अब हम करेंगे पाँच छः क्यूब पाँच छः और यहाँ पे क्या आ रहा है हंड्रेड एडवन तो पाँच छः क्यूब करके हंड्रेड एडवन इसमें हम जोड़ेंगे यानी एक सौ पच्चीस प्लस एक सौ एक आपका कितना आ गया दो सौ छब्बीस यानी कि ये वैल्यू हमको मिल गई दैट मीन्स ये आपका आंसर बिल्कुल सही है तो एक से एक नंबर आपका आंसर है पहला नंबर आपका आंसर क्लियर है ओके रिपोर्ट है आगे बढ़े किस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं देखिए आपको फाइंड आउट करना है कि श्रृंगला में एक संख्या गलत है दिए गए विकल्पों में से गलत संख्या की पहचान कीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा ठीक है तो इसको हम करते हैं कैसे होगा देखिए बहुत ही गौर से देखिएगा बहुत ही सिंपल है आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें गलत कौन सी संख्या है कोई एक संख्या इसमें से गलत होगी तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या गलत है कौन सी संख्या सीरीज में फिट नहीं बैठ रही है कौन सी संख्या में लॉजिक जो है काम नहीं कर रहा है आई बात समझ में करा जाए शुरू करें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखें तीन दो पाँच दो सात माइनस एक फिर चार फिर चार फिर माइनस दो नहीं कुछ कुछ बाद चौबीस दो नहीं कोई लॉजिक नहीं बन रहा तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं इससे हमारा कोई भी किसी भी तरह का लॉजिक जो है फिलहाल तो नहीं बनता दिखाई दे रहा हमको आगे बात समझ में ठीक है हम क्या करेंगे अब तीन से सात देख देंगे तीन प्लस चार सात प्लस तीन दस प्लस दो फिर अट्ठाईस कहाँ से आएगा चालीस कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं कोई लॉजिक नहीं बन रहा तो ये भी हमारा गलत हो गया ठीक है ये भी हमारा गलत हो गया अब देखते हैं तीन और छः में तीन और छः कैसे आया तीन सा गुणा हमने दो सौ किया हमारा छः आ गया फिर हम दो को छोड़ के फिर से देखते हैं छः दूनी बारह हो गया ठीक है फिर हम दो को छोड़ के देखते हैं इन दोनों को छोड़ के हमारा छः दुनी बारह के बाद बारह दुनी चौबीस हमारा हो गया यानी एक सीरीज़ हमारी बन गई ठीक उसके बाद हम देखते हैं पाँच से पाँच गुणे दो दस ठीक है बन गया दस गुणे दो चौबीस हो गया ओहो तो यहाँ पर सीरीज नहीं बन रही है लेकिन यहाँ पे अगर पाँच दस गुणे दो करेंगे तो हमारा बीस आएगा अगर यहाँ पे चौबीस गुना दो करेंगे तो आएगा अड़तालीस यानी अड़तालीस नहीं हो सकता लेकिन अगर यहाँ बीस होता गुना दो करने पे अगर कर यहाँ पे बीस होता तो यहाँ पे चालीस गुणा दो करने पे बीस गुणा दो करने पे चालीस आ जाता कि नहीं आता आ जाता इसलिए शायद हमारा चौबीस गलत हो सकता है अब नेक्स्ट सीरीज में चेक कर लेते हैं सात वाली में तो सात वाला है उसको चेक कर लेते हैं हम सात फिर दो सात के बाद हमने फिर क्या किया हमने दो छोड़ा ठीक है सात ये है और चौदह ये सात दूनी चौदह ठीक है फिर चौदह बाद हमने दो को छोड़ा चौदह दूनी अट्ठाईस फोटी टूटा ट्वेंटी ये भी ठीक है फिर एटीन टूजा फिफ्टी ये भी ठीक है यानी कि आपकी जो वैल्यू गलत है रहती है ट्वेंटी ये आपका गलत है आगे बात समझ में ट्वेंटी फोर नंबर आपका गलत है यानी यही आपका आंसर इसमें हो जाएगा क्योंकि आपको फाइंड आउट करना था कौन सें क्या गलत है आगे बात समझ में आप दो नंबर्स को छोड़ करके भी सिर्फ सीरीज़ को चेक कर सकते हैं आगे बात क्योंकि देखिए पहले दूसरे में हमने क्या कोई लॉजिक नहीं बन रहा था कुछ समझ में नहीं आता था फिर पहले और तीसरे में किया कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था हमने उसको छोड़ दिया फिर पहले और चौथे चौथे के बाद दो छोड़ के फिर से आठ में ऐसे में किया तो हमको लॉजिक समझ में आया कि भाई इंटू टू करके हमारा सीरीज जो है बन रही है लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्वेंटी टू आ रहा था इसलिए अगली सीरीज नहीं बन पा रही थी इसलिए हमने यहाँ पे 20 करके देखा तो 20 का मल्टीप्लाई फ्लाई टू करके, करके यहाँ पे 40 हमारा आ जा रहा था इसलिए हमारे यहाँ पे 20 आंसर होना चाहिए उससे जगह ट्वेंटी फोर लिखा हुआ है इसलिए 24 जो है यहाँ पे एक संख्या गलत है और यही हमारा आंसर होगा आगे बात समझ में आगे बढ़ ये क्वेश्चन आपको करना है बताइए कैसे होगा बहुत सिंपल है ऐसे सीजन में आया हुआ है ऐसे क्वेश्चन देख के ही आपके हल हो जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आ रहे हैं समझिए कि जैसे आपको फ्री में नंबर दे रहा है कुछ भी नहीं होता है, इन क्वेश्चन में बहुत ही ईजी होते हैं ठीक है करके कर कर देखते हैं सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं याद हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन करने में समस्या हो सकती है ठीक है एन क्यू वाई डी एन यू जी पी एन वाई ओ एन बी ठीक है वन से थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं ज़्यादातर तो जा रहा है एन यू जी पी एन वाई ओ बी ओके एन का होता है फोर्टीन इधर ही फोर्टीन इधर ही फोर्टीन हर जगह एन लिखा हुआ है और आंसर में भी हर जगह एन दिया हुआ है तो हमको एन को नहीं चेक करना क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो ठीक है यानी कि आंसर में भी हमारा एन ही आएगा तो पहला हमको नहीं चेक करना हमको दूसरे चेक करना है इसकी होती है थर्टीन इसकी होती है सेवनटीन इसकी वैल्यू होती है ट्वेंटी वन इसकी वैल्यू होती है ट्वेंटी फाइव यानी कि थर्टीन प्लस फोर करेंगे तो फोर्टीन आएगा सेवनटीन आएगा सॉरी थर्वेंटीन प्लस फोर करेंगे तो ट्वेंटी वन आएगा ट्वेंटी वन प्लस फोर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव आएगा ट्वेंटी वन प्लस फोर करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स में होता है जेड उसके बाद फिर A से आपका ए से शुरू हो जाएगा नंबर वन से एक दो तीन यानी कि जेड ए बी सी आपका क्या आएगा सी आएगा यानी आपका सेकेंड क्वेश्चन में सी आएगा आंसर में देखिए सी कहाँ पे है सी आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही है तो ये आपका आंसर सही हो गया ठीक हमें आंसर यहाँ से मिल गया पर अगर आप चाहते हो छोटी के लिए तो एकोलॉजी लगा के और चेक कर लीजिए ये होती है वैल्यू सत्रह ये होती है वैल्यू पच्चीस ये होती है वैल्यू सेवन ये होती है वैल्यू पंद्रह यानी कि सत्रह में अगर हम आठ जोड़ेंगे तो कितना आएगा पच्चीस पच्चीस में अगर हम आठ जोड़ेंगे तो कितना आएगा सात सात यानी कि जी कैसे आएगा पच्चीस में आएगा छब्बीस उसके बाद हम सात और जोड़ हैं देंगे हो जाएगा हमारा सात यानी कि जी यानी जेड ए बी सी डी ई एफ जी यानी कि सात आपका आ जाएगा आठ जोड़ने पर फिर सात में मार्क् जोड़ेंगे कितना आएगा पंद्रह और पंद्रह की पोजिशन क्या होती है ओ यानी कि सब में आठ आठ जुड़ रहा है और पंद्रह में आठ जुड़ेगा आएगा तेईस और तेईस की पोजिशन क्या होती है डब्ल्यू यह भी आपका डब्ल्यू आएगा जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है इसलिए हम बिना कुछ देखिए अब चौथा कक्ष करने की कोई जरूरत नहीं आपका आंसर नंबर है सी आ गया अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन में ओके okay, रिपोर्ट है समझ में आ रहा कोई डाउट कोई परेशानी आगे बढ़ते हैं देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से आए हुए हैं और आपको वही प्रैक्टिस में कराया जा रहे हैं ठीक है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम आप करेंगे सी जी एल स्टेनो सी एच एस एल एम टी एस सारे में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक सौ तेईस एक सौ पच्चीस एक सौ सत्ताईस फिर लगाए क्वेश्चन मार्क यानी आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर क्या होगा फिर एक सौ इकतीस फिर एक सौ तैंतीस बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा ये तो बहुत सिंपल है भाई मतलब ये कोई नंबर आपको फ्री में दे रहा है सीज कर रहा ले लो नंबर ठीक है देखो प्लस टू वन ट्वेंटी फाइव प्लस टू वन ट्वेंटी सेवन पता नहीं पता नहीं पता नहीं प्लस टू यानी कि समय प्लस टू प्लस टू हो रहा है अगर हम यहाँ पे प्लस टू करके देखेंगे तो आएगा हमारा वन ट्वेंटी नाइन और इसमें अगर हम प्लस टू कर देंगे तो 131 या या हमारा आ जाएगा वन थर्टी वन यहाँ की यानी कि हमारा वन ट्वेंटी नाइन आंसर यहाँ पे होगा सर प्लस टू प्लस टू हो रहा है तो हमने यहाँ पे प्लस टू कर दिया वन ट्वेंटी नाइन आंसर होगा ये होगा हमारा सही आंसर बस सिक्सटी का होगा ऑप्शन नंबर बी ओके okay जी आगे बात समझ में कोई डाउट कोई समस्या कोई परेशानी नहीं क्वेश्चन का अभी इसी तरह क्वेश्चन मैंने कराया था उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आपको तो ही करना है ठीक है कैसे होगा डैश एम डैश एक्स फिर आया डैश नहीं फिर है जे फिर है आपका जे फिर है डैश देन पी देन एक्स देन डैश एम पी डैश जे डैश डैश एक्स ठीक है तब से फिर आपको क्या करना है काउंट कर लेना है टोटल लेटर्स कितने दिखाई दे रहे हैं हमको काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटी सिक्सटीन लेटर्स हैं तो यहाँ पे किससे डिवाइड होगा दो से हो जाएगा हमारा दो से डिवाइड करेंगे आठ आ जाएगा अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा आठ लेटर्स में डिवाइड होगा इसको हमें सीरीज़ बनाने में बड़ी मुश्किल होगी इसलिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे चार से चार से डिवाइड करेंगे होगा चार आएगा यानी वन टू थ्री फोर इसको चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व आइए बात समझ में कि हम काउंट क्यों करते हैं नंबर्स ए डाउट हम इसीलिए काउंट करें ताकि हम उसको छोटा छोटा सा बना सकें और फिर हम इसमें कोई लॉजिक लगा के एक सीरीज फिट कर सकें ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ पे अब हमें ऑप्शन देखना है सॉल्व कैसे करते हैं देखना ये चार ऑप्शन है आपके ए बी सी डी सब में शुरुआत में जे दे रखा है कि नहीं दे रखा है यानी कि आपका जो आंसर स्टार्ट होगा वो जे से स्टार्ट होने वाला है तो जे हो गया हमारा पहला यानी जे हमको मिल गया ठीक सीरीज में जे हमको मिल गया इसमें ऑलरेडी जे दे रखा है इसमें भी जे दे रखा है यानी कि जो थर्ड है थर्ड सीरीज़ है उसमें भी आपका जे आएगा ठीक है थर्ड सीरीज़ है दो हमने चार पार्ट में डिवाइड किया थर्ड सीरीज़ है, है वहाँ पे हमारा जे आएगा ठीक है तो यहाँ पर भी हम जे जो है भाई साहब लिख लेते हैं ओके आगे बात समझ में यहाँ पे भी हम जे लिख लेते हैं यहाँ पे इस जेल यानी जे हमारा फील हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नवे नंबर पर एक दो तीन चार पाँच छः नवे नंबर पर आया हमारा यानी एक दो तीन और चौथे नंबर पर जे आ रहा है कहीं पर देखो चौथे नंबर पर जे कहाँ पर है इस ऑप्शन में है सेकेंड ऑप्शन में तो हो सकता हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमने क्या किया हमें डैश से गुन लिया डैश को गुना तो हमारा क्या आया पहले डैश में जे आया सेकंड डैश खाली है पता नहीं थर्ड डैश खाली है पर चौथे डैश तो हमने जे यहाँ पे ये फिल कर दिया तो हमारा और चौथे तो और चौथे नंबर पर जो डैश है उस पर जे कहाँ पर आ रहा है कौन से ऑप्शन में, सेकंड में तो हमारा सेकंड ऑप्शन में आया तो हो सकता है हमारा सेकंड ऑप्शन फ़िलहाल अभी तक हमें हंड्रेड परसेंट सही लग रहा है पर आगे चेक कर लेते हैं अगर आप करना चाहें तो वैसे आप सीधा ऑप्शन इसको लगा सकते हैं जे के बाद आ रहा है एम ठीक है यहाँ पर देखिए जे के बाद आ रहा है एम यहाँ पे भी एम रहा है हमने यहाँ पे एम लिख दिया यहाँ पे भी एम रहा है यानी कि दो में एम रहा है तो मोस्ट ऑबली यहाँ पे भी एम ही आएगा और यहाँ पे भी एम ही आएगा तो हमें क्या करना है थर्ड डैश में एम कहाँ दिखाई दे रहा है जे पी एम थर्ड पोजीशन में हमको एम यहाँ पे दिखा दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारा पहला और चौथा बिल्कुल गलत हो गया अब दूसरे और तीसरे में जो है फाइट है लेकिन दूसरे तीसरे में फाइट इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि आपको चौथे डैश में आपको जे यहाँ पे दिख चुका है इसलिए आपका आंसर जो है सेकेंड नंबर हो जाएगा और चेक करना चाहें तो और चेक कर लेते हैं जे के बाद एम आया है उसके बाद क्या है पी देखिए यहाँ पे पी है यहाँ पे भी पी है तो यहाँ पे भी पी आएगा और यहाँ पर भी पी आएगा ठीक जे एम पी एक्स जे एम पी एक्स जे एम पी एक्स देखिए आपका सारा फिल हो गया आपका क्या आ गया आपका क्या आ गया जे आया फिर पी आया फिर एम आया फिर जे आया फिर एक्स फिर एम और फिर पी आगे बात समझ में तो वन सिक्सटी टू का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आगे बात समझ सबसे तो पहले हमने क्या किया लेटर्स काउंट किए उनको डिवाइड किया चार पार्ट में उसके बाद हमने ऑप्शन में देखा कि कहाँ पे जे आ रहा है हर जगह जे, जे आ रहा है पहले नंबर पे तो हमने जे को लिख दिया फिर तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा चौथा डैश था पोजीशन थी उसमें भी जे आ रहा है तो हमने फाइंड आउट किया कि कौन से ऑप्शन में चौथे डैश में जे आ रहा है वो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखा तो हमारा पहले से ही यहीं से सही हो गया उसके बाद हमने और चेक किया तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है क्लियर है समझ में आ रहा है कोई दिक्कत कोई समस्या आगे बढ़ते हैं देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन दिया आपको वन फोर्टी एट टू सिक्सटी नाइन फोर वन थ्री क्वेश्चन मार्क्स सेवन सेवेंटी एट आपको फाइंड आउट करना है कि इस डब्बे में क्या आएगा जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ पे क्या आएगा जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पे क्या आ सकता है जी सबसे पहले हम देखते हैं इनके बीच में अंतर कहता है नौ में आठ गया एक छः में चार गया दो में एक गया एक ये क्या है एक सौ इक्कीस ग्यारह का स्क्वायर है अच्छा अगर यहाँ पे ग्यारह का स्क्वायर हो वो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है सेकेंड का जो चार सौ तेरह जो आपको लाना है उसमें हो सकता है बारह का स्क्वायर हो हो सकता है कि नहीं हो सकता तो हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे अगर तेरह में नौ जाएगा कितना बचेगा चार ठीक दस में छः जाएगा कितना बचेगा चार तीन जगह आप बचेगा एक ये हो गया आपका बारह का स्क्वायर देखिए बारह का स्क्वायर हो गया ठीक इसका मतलब यहाँ ग्यारह तो का स्क्वायर होगा या बारह का स्क्वायर होगा तो मोस्ट जरूरी चांसेस यहाँ पे तेरह का स्क्वायर होगा तेरह का स्क्वायर होता है एक सौ उनत्तर अपने एक सौ उनत्तर यहाँ पर लिख दिया एक सौ ऐड कर दिया नौ तीन बारह छः एक सात एक आठ चार एक पाँच आ गया पाँच सौ बयासी पाँच सौ बयासी आंसर में है हो सकता है हमारा सही हो उसका हम चेक कर लेते हैं फोर्टीन का स्क्वायर करके अगर फोर्टीन का स्क्वायर हम करेंगे और उसको पांच सौ बयासी में ऐड करेंगे अगर ऐड करने में सेवन सेवेंटी एट आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है फोटी फोटीन का स्क्वायर कितना होता है 196 तो so 196 को हम करेंगे ऐट 582 में तो हमारा आ जाएगा छः दो आठ नौ अचहत्तर छह आस लगा पाँच एक छः एक सात तो हो गया आपका सेवन सेवेंटी एट भी आ गया इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल ही सही है उस पर कोई भी डाउट नहीं है ओके आगे बढ़ें ये क्वेश्चन करते हैं 112, 101, एक सौ बारह एक सौ एक क्वेश्चन मार्क क्या फाइंड आउट करना है आपको क्या आएगा सेवेंटी फोर सिक्सटी सेवन बताइए ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है इस पर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कैसे सॉल्व होगा अगर हम माइनस ग्यारह करेंगे तो एक सौ एक आएगा मान रहे हैं इस बात को कि नहीं मान रहे हैं मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ठीक है माइनस दस करेंगे तो कियानबे आएगा अगर माइनस नाइन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे करके देखते हैं एक बार पता नहीं अभी क्या हो सकता है माइनस नाइन करेंगे तो कितना आएगा आप एटी टू एटी टू में अगर हम माइनस एट करेंगे तो कितना आएगा सेवेंट फोर यानी कि हमारा यहाँ पे एटी टू सही था ठीक तो है टू हमारा सही था यहाँ पे हमारे ये सीरीज चल रही तो हमारा आंसर हो जाएगा एट्टी टू ऑप्शन नंबर डी इज़ इट ओके एनी डाउट बहुत ही सिंपल था नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं देखिए पे एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले इनको हम काउंट कर लेते हैं कितने हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटी सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन टोटल लेटर्स हो गए हमारे कितने ट्वेंटी वन इसको हम अगर हम तीन से डिवाइड करेंगे तो कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा सात बार आ गया यानी कि हमारा तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है ये हमारा तीन भागों में डिवाइड हो गया सात सात में तीन भागों में डिवाइड कर लिया हमने इसको अब देखिए क्या आ रहा है पहले ऑप्शन में पहला तो डैश है आपका देखते हैं वहाँ पे क्या आ सकता है सबसे पहले मैंने इसको तीन भागों में डिवाइड किया है तो हम देखते हैं सेकेंड वाले में पहले पे ए आया है कि नहीं आया ठीक है यहाँ पे सेकेंड वाले में पहले में ए आया है थर्ड वाले में ये पहले में आया है तो मोस्ट प्रोबेबली तो फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका ये वाला ये दूसरा है यहाँ पर तीसरा तो फर्स्ट वाला जो है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ए आएगा तो हम देखें ऑप्शन ए कहाँ पे है ऑप्शन में तीन ऑप्शन में है यानी कि सी को फिलहाल हम गलत कर देते हैं फिलहाल के लिए ठीक उसके बाद देखते हैं सेकेंड ऑप्शन में पहले वाले में सेकेंड ऑप्शन में ए आया है ठीक है दूसरे वाले में सेकेंड ऑप्शन में डैश है कोई बात नहीं तीसरे ऑप्शन में सेकेंड वाले में ए आया है ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड वाला है आपका उसमें जो सेकेंड डैश जो फर्स्ट डैश है सेकेंड वाला उसमें भी आपका ए आएगा ठीक यानी पहले के दो ऑप्शन में आपका ए आ गया ठीक है उसका हम देखते हैं डी आई है डी इसमें भी डी आया है इसमें भी डी आया है तो यहाँ पर भी डी आएगा ठीक हमें एक सीरीज़ बनानी है यहाँ पे ओके आई बात समझ लें उसके बाद देखिए डबल वी है यहाँ पे सेकंड वाले में इसमें सिर्फ एक वी है, तो है।, तो है।, है, है तो यहाँ पे फिर वी आ जाएगा रख देंगे कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ठीक तो यहाँ पर वी रख देंगे कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद लास्ट में देखते हैं यहाँ पर आर आया है यहाँ पर भी आर आया है तो यहाँ पर भी आर आएगा यहाँ पर के है इसलिए यहाँ पर के आएगा और यहाँ पर भी के है ठीक आप अगर देखें तो आपकी सीरीज़ क्या बन रही है डबल ए डी वी वी के आर ये आपकी सीरीज़ बन रही है अब आपको देखना है कि ये हर भाग में फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है असर में इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया ये हमारे मेरे ख्याल से हर एक भाग में फॉलो हो रही है ठीक है इसलिए आपको देखना है क्या है कि हमारा आंसर क्या होगा जो तो पहला डैश था वो था ए आपका दूसरा डैश था वो था वी आपको तीसरा डैश था वो था आर ए वी आर ओके जो चौथा था वो था ए पाँचवा था वो था के जो छठा था वो था डी उसके बाद था आपका वी आगे बात समझ में तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया वन एटी फोर का वन एटी फोर का ऑप्शन हो गया आपका बी आगे बात समझ में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमारी यही अप्रोच रहनी चाहिए अगर ये नहीं है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबसे पहले ये लॉजिक को आप लगाइए अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसके बाद फिर आपको अपने आप दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज़ क्या बन रही है वैसे ये जो प्रोसीजर है वो मैग्जिम क्वेश्चन में लागू हो जाएगा ये सी पी क्वेश्चन है देखिए जो तो बाईस का लेटेस्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे रोजी का अप्लाई हो गया है तो उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर वन नाइनटी वन करिए देखें कौन कौन कर पाता है इसको आप ये सोच के डर ना जाना कि यार दो लिखा है फिर बारह लिखा फिर एक सौ चवालीस अरे इतनी बड़ी संख्या लिखी फिर दो हज़ार पाँच सौ बानबे इतनी बड़ी संख्या लिखी कैसे होगा ये दिमाग में आ रहा होगा ना आपके इसमें तो डरना ही नहीं है तो बहुत सिंपल है इसमें सीधा आपको चीज़ से तो मालूम चल रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है किसी न किसी से और इसमें कुछ कर ही नहीं सकते किसी भी तरह से दो से बाहर लाने में आपको क्या करना पड़ेगा इसको क्या इसको आप दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो ऐसे करोगे नहीं कर सकते ना इतना टाइम हमारे पास किसके पास है इसलिए सीधे सीधे मैं मालूम है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देते टू इंटू सिक्स करते हमारा कितना ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व करते हैं यहाँ ट्व का स्क्वायर करेंगे कितने का मैं फोर्टी फोर हो जाएगा ठीक है अब वन फोर्टी फोर में हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे बताइए यहाँ पे छः का किया यहाँ पे बारह किया हो सकता है तो यहाँ पे अठारह पहले आई बात समझ में हो सकता है यहाँ पे अठारह या भी हो सकता है चौबीस से करें क्योंकि तो छः दुनी बारह हुआ है छः का जस्ट डबल तो, तो बारह दुनी चौबीस तो से तो आ सकता है लेकिन यहाँ पे ये यह भी तो, तो हो सकता है छः प्लस छः हुआ और फिर बारह प्लस छः हो जाए आरी बात समझ में तो यहाँ पर अठारह करके देखते हैं अगर चौबीस से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे दो हज़ार पाँच सौ बानवे कभी नहीं आने वाला बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा लेकिन अगर अठारह में मल्टीप्लाई करेंगे दो हज़ार पाँच सौ बानवे आपका आ जाएगा इसके बाद फिर हमें क्या करना है दो हज़ार पाँच सौ बानवे में किसका मल्टीप्लाई करना है हमें दो हज़ार पाँच सौ बानवे हम करेंगे अठारह प्लस छः चौबीस का तो चौबीस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा चौबीस मल्टीप्लाई करने पर करके देखिए दो हज़ार पाँच सौ बानवे घुड़े चौबीस का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो होगा भैया आपका आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा मनटीपन का पी ठीक है ये है आपका आंसर मैं आपको आंसर बता देता हूँ ठीक है सब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा ओके अगली बात समझ में क्लियर है इज इट फाइन समझ गया इसमें क्या हुआ है जब भी बड़ी डिजिट दिखे बड़े नंबर्स के सीधा मल्टीप्लाई मारो और कोई ऑप्शन नहीं है यही एक तरीका है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और आपका जितना क्वेश्चन आ गया वन नाइन्टी नाइन जैसे भी क्वेश्चन नंबर के आए हैं लिख लेते हैं फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह टोटल सोलह हो गए चार से डिवाइड करो आया जार बार, जार जार तो चार बार यानी इसको चार आगो में बांटेंगे हम एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक है अब हमें क्या देखना है सॉल्व कैसे होगा हर ऑप्शन में पी है तो पहले ऑप्शन में आपका पी आएगा हर ऑप्शन में आप देखिए पी है बी है, है, है पी है पी है पी है ए बी सी डी चारों में पी रखा है उसके बाद आपकी पी सी यानी यहाँ पे आपने फिलअप कर दिया क्या यहाँ पे आपने फिलअप कर दिया पी ठीक ये हमको समझ में आगे यहाँ पे पी आएगा ठीक उसके बाद हम देखते हैं क्या आएगा पी के बाद एस है जे है ठीक है यहाँ पे क्या है पी के बाद एस है जे है यानी यहाँ पर भी जे आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या है यहाँ पर भी देखिए जे है तो यहाँ पे पी के बाद आ जाएगा हमारा एस ठीक है पी एस जे और यहाँ पर भी देखिए पहला पी एस जे ठीक है पी एस जे हमें कन्फर्म हो गया और लास्ट में देखिए ए है ए है यहाँ पर भी ए आएगा यहाँ पर भी ए e आएगा तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा पी ए जे एस ए पी और जे ये कहाँ पर है ये पी ए जे ए, 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 ए एस एक बार हाँ एस मैंने एक्स्ट्रा लिखा है क्या ए ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है शायद वन सेकेंड ये जो ए है मैंने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बता दिया यहाँ पर ये नहीं होगा तो अगर पी ए जे ये मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया था जबकि यहाँ पे पहले से दिया हुआ है इसलिए ठीक है अरे समझ में तो पी ए जे ए एस पी जे ये कहाँ पे आ रहा है ये आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में ठीक है तो ये हो गया आपका आंसर इस तरह क्वेश्चन समझ लिया कैसे करते हैं ओके okay रिपोर्ट है कोई डाउट है सबसे पहले फिगर काउंट करो डिवाइड करो उसको भागों में डिवाइड करो वन टू थ्री फोर चार भागों में डिवाइड कर दिया उस पर हमने एक इसकी सीरीज़ बनाई है इसका एक हमने प्रॉपर तरीका देखा कि हम इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं और यहाँ पे एक सीरीज़ बनानी होती है हमको यहाँ पे हमने देखा कि अगर शुरुआत पी से हो रही है सारे ऑप्शन में अगर पी है तो फिर हमारी शुरुआत पी से ही होनी है ठीक है उसके बाद हम आगे चेक करेंगे यहाँ पे भी पी था यहाँ पे भी पी था इसका मतलब यहाँ पे भी पी है यहाँ पे भी पी है यहाँ पे भी पी है तीनों में पी है तो चौथे वाले में भी शुरुआत पी से ही होगी आई बात समझ में तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम करते हैं आगे बढ़ते कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन और कर लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे वाला क्वेश्चन देखिए कहीं आप डर ना जाएँ कि भाई ये कैसे हो गया इतना बड़ा क्वेश्चन है ये कैसे होगा ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा है तो अपने दिमाग से बात बिल्कुल निकाल दो बिल्कुल भी निकाल दो कोई डरने की बिल्कुल भी जरा सी भी कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं है ना हो सकती है बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बताना है आपको ये क्वेश्चन कैसे होगा जल्दी जल्दी बताइए ज़्यादा टाइम नहीं है क्लास को हमें रेपअप भी करना है और कुछ और क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं तीन सौ नौ नंबर कैसे होगा बताओ जल्दी से बताओ देखिए इसी तरह क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं ठीक है सेम क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं सोलह है थोड़ा सा गैप दे के लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए सिक्सटीन है थर्टी टू है फोर्टी टू है फोटीन है नाइन्टीन है थर्टी सेवन है ट्वेंटी वन है ट्वेंटी टू है फोर्टी टू है क्वेश्चन मार्क ट्वेंटी फाइव फोर्टी सेवन एंड थर्टी फाइव राइट इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है जो मैं लॉजिक पिछले क्वेश्चन में लगाया था मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वही लग रहा है आपको पहले क्वेश्चन को सजा ही नहीं लगाओ ना देख लेना कि यार इसमें हो क्या सकता है फिर आपको लॉजिक लगाना है इसमें क्या हो सकता है देखिए सोलह से बत्तीस हो रहा है सोलह दिन बत्तीस सो हो सकता है ठीक है तो बत्तीस से चौदह आ रहा है चौदह से उन्नीस आ रहा है क्या लॉजिक कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा कुछ बनी रहा, रहा है, है। से हो नहीं सकता सोलह में माइनस करो दो ठीक है उससे सौ सैंतीस आ गया कैसे भाई कैसे आ गया चौदह में कितना जोड़ दें हम फिर हमारा बाईस आ गया फिर यहाँ हमको पता ही नहीं है ठीक तो ये भी हमारा नहीं बन सकता किसी भी तरह से तो क्योंकि यहाँ पर लॉजिक बन ही नहीं रहा अगर हम इन दोनों को छोड़ दें सोलह के बाद प्लस करें तीन उन्नीस आ गया फिर इन दोनों को छोड़ दें फिर प्लस करें तीन बाईस आ गया फिर इन दोनों को छोड़ दें फिर प्लस करें तीन पच्चीस आ गया ठीक यानी हमारा यहाँ पे प्लस तीन प्लस तीन हो रहा है आई बात समझ में ओके रिपोर्ट है उसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं हम सेकंड में क्या लगा हुआ है थर्टी टू थर्टी टू के बाद ये दो अगर हम छोड़ देते हैं ये दो अगर हम छोड़ दें तो थर्टी सेवन आने में कितना प्लस करने पड़ेगा पाँच फिर हम अगर इन दोनों को छोड़ छोड़ते थर्टी सेवन से फोटी टू आने में कितना प्लस करना पड़ेगा पाँच फोर्टी टू फिर अगर इन दोनों को, को हम छोड़ दें यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क उस पर भी छोड़ दें इन दोनों को लाने के लिए करना पड़ेगा प्लस पाँच यानी कि ये प्लस पाँच पहले प्लस्तीन हो रहा है फिर प्लस पाँच हो रहा है पहले प्लस प्लस्ती हो रहा है फिर प्लस पाँच हो रहा है आई बात समझ में ठीक है ये बात समझ गए अब हमें यहाँ पर लाना है यहाँ पर यहाँ पर क्या हो सकता है देखो फोर्टीन है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फोर्टीन ठीक है ये जो फोर्टीन है यहाँ से अगर हमें दो छोड़ के इक्कीस में जाना है हमें कितना जोड़ना पड़ेगा प्लस सेवन ठीक है इक्कीस में आ गया अब इक्कीस से अगर हमें यहाँ पे जाना है तो क्वेश्चन मार्क कितना तोड़ना पड़ेगा प्लस सेवन कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट और अगर ये ट्वेंटी एट है यहाँ पे आ रहा है अगर ये सही है हम कैसे देखेंगे यहाँ पे हम प्लस सेवन करेंगे तो कितना आ जाएगा थर्टी फाइव ठीक है तो यानी ये जो हमारा ट्वेंटी एट है वो बिल्कुल सही है और यही होगा आपका आंसर आपका आंसर है आंसर नंबर डी आगे बात समझ में कैसे हमने क्वेश्चन में किया कैसे हमने अप्रोच किया इज़ इट फाइन इज़ इट ओके समझ में आ रहा है कोई डाउट है कोई परेशानी है आगे बढ़े कुछ दो तीन क्वेश्चन और करते हैं क्लास को हम टाइपअप करते हैं अदाई बहुत लंबी क्लास हो जाएगी अब देखिए ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पॉइंट्स वाले पॉइंट्स वाले क्वेश्चन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखिए एम में आया हुआ है तीस पंद्रह पंद्रह बाईस दसम पाँच फोर्टी सिक्स एक सौ बारह पाँच आपको उस पहचान करनी है जो दिन, दिन की श्रृंखला से संबंधित नहीं है देखिए ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क में भी आते हैं कि इसके बाद क्या होगा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं अभी तो फिलहाल आपसे पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं है ये आपसे पूछ रहा है यानी आपसे कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कौन सा गलत है आपको ये बताना ठीक है तो हम इसको बता दें कोई बड़ी बात नहीं है सबसे तो पहले देखिए थर्टी से फिफ्टीन कैसे आ सकता है या तो हम डिवाइड बाई टू कर दें आ जाएगा ठीक है या फिर इसी को हम ऐसे लिख दें थर्टी इन पॉइंट फाइव बात तो वही है बात तो वही है तो बट और चेंज तो नहीं किया बस बाई टू को हमने पॉइंट फाइव देख दिया दे दे, हमारा आ गया फिफ्टीन और फिफ्टीन से हमारा यानी हमारा ये हमको मिल गया इंटू पॉइंट फाइव करके और फिफ्टीन से हमारा फिफ्टीन कैसे आ सकता है अगर हम इंटू वन कर दें फिफ्टीन से हमारा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव कैसे आ सकता है अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें वन पॉइंट फाइव का ठीक पंद्रह गुणे पंद्रह होता है दो सौ पच्चीस पॉइंट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ठीक है यहाँ पे हमने इनटू टू टू पॉइंट फाइव कर दिया हमारा ये आएगा फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दो से दो से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा कितना कितना आएगा बताइए दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा फोर्टी कितना आएगा फोर्टी फाइव पर यहाँ पर दे रखा है फोर्टी सिक्स इसका मतलब ये जो संख्या है क्लास संबंधित नहीं है यही आपकी गलत है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ए नंबर आपका आंसर हो गया आ गया समझ में कोई समस्या कोई डाउट कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन भी आप देख लीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन पॉइंट्स में आ जाए और उससे जस्ट आधी संख्या लिखी है तो पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करो उसके बाद उसको आगे सीरीज बढ़ाते चलो सब में प्लस जीरो पॉइंट फाइव प्लस ज़ीरो पॉइंट फाइव करके इन्होंने मल्टीप्लाई किया है ठीक है जैसे जीरो पॉइंट फाइव था उसके आगे उन्होंने किससे मल्टीप्लाई किया वन से इसमें प्लस प्लस जीरो पॉइंट फाइव किया फिर किससे मल्टीप्लाई किया वन पॉइंट फाइव से इसमें प्लस जीरो पॉइंट फाइव किया फिर किससे मल्टीप्लाई किया टू से इसमें प्लस जीरो पॉइंट फाइव किया फिर किससे मल्टीप्लाई किया टू पॉइंट फाइव से प्लस जीरो फिर किया और टू पॉइंट हाँ टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई किया इसमें प्लस जीरो पॉइंट फाइव किया बस ये चीज़ें हमें देखनी होती है बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन कोई समस्या इसमें हो ही नहीं चाहिए आप लोगों को ठीक है आगे बढ़ एक बिल्कुल हल्का क्वेश्चन देता हूँ आपको बहुत ही हल्का क्वेश्चन है बताइए एक सौ सैंतीस और देखिए एम पी एस में आया हुआ है इतना हल्का क्वेश्चन है और एम में आया हुआ है बताइए एस फ्री में मार्क्स देना चाह रही है आपको और इससे हल्का क्वेश्चन और कैसे आ सकता है बताओ एक सौ सतीस में बारह गया कितना बचा एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस में बारह गया कितना बचा बताओ कितना बचा एक सौ तेरह ठीक इसको तेरह में बारह गया कितना बचा एक सौ एक एक सौ एक में बारह जाएगा कितना बचेगा बताओ कितना बचेगा तेरह में एक सौ एक में बारह जाएगा तो बसेगा एट्टी नाइन भाई साहब आपका आंसर हो गया एट्टी नाइन दो सेकेंड में कर दिया आपने यहाँ तो ओके okay, रिपोर्ट है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लीजिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है ए ई आई ई आई ओ आई ओ यू मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा होगी मैं क्या कर रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या किया होगा इस क्वेश्चन में अगर लॉजिक लगाएंगे कि प्लस पाँच हो गया प्लस प्लस चार हो गया प्लस चार हो गया, चार हो, गया. हो सकता है वैसे भी हो जाए हो सकता है वैसे भी हो जाए कोई उसमें डाउट नहीं है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्लस पाँच हो गया और मान लीजिए यहाँ पे प्लस पाँच हो गया ठीक तो है यहाँ पे प्लस पाँच कर देंगे नौ पाँच चौदह हो जाएगा ठीक चौदह में क्या होता है हमारा एन होता है एन दिया आंसर में नहीं तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नहीं होगा बताओ यानी कि ये जो लॉजिक हमारा यहाँ पर काम ही नहीं करेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा यह लॉजिक हमारा गलत हो गया यहाँ पे काम क्या कर रहा है ये होगी पहली पोजिशन ये होगी दूसरी पोजिशन ये होगी तीसरी पोजिशन इन्होंने क्या किया है दूसरी क्वेश्चन लिखी है फिर तीसरी लिखी है फिर पहली लिखी है ठीक है यहाँ पे पहली पोर्सन थी दूसरी थी तीसरी थी फिर उन्होंने क्या किया है दूसरी पोर्सन पहले लिखी है फिर तीसरी लिखी है फिर पहली लिखी है यानी वन टू थ्री को उन्होंने टू थ्री वन कर दिया है यहाँ पे वन टू थ्री था फिर क्या किया इन्होंने दूसरी पोर्सन पर पहले लिखा है फिर तीसरी को लिखा है पहली लिखा है ओ यू ओ यू आई लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे ये यहाँ पे ओ भी लिखते जा रहे हैं यानी कि ए यहाँ पे नहीं आया इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा ठीक है तो हम हमें आपको छोड़ देखते हैं यहाँ पे हम और क्या देख लेते हैं यहाँ पे भाई साहब ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है लेकिन कहीं कही ना कहीं हम लास्ट तक आंसर तो पहुंच ही गए थे ये लॉजिक लगा करके इस तरह से हमने पहला लॉजिक यूज़ किया था वो हमारा काम नहीं करा हम ये वाला लॉजिक यूज़ कर रहे हैं काम नहीं कर रहा पर कहीं ना कहीं आंसर तक हम पहुँच गए यानी कि इस तरह चीज़ें हो रही हैं पर एक्चुअल ये चीज़ नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है मैंने आपको जल्दी जल्दी कुछ ज़्यादा ही बता दिया यहाँ पर आपको फॉलो हो रहा है ए आई ओ यू ये आपका फॉलो हो रहा है और आपका पहला पार्ट जो है छोड़ दे रहा है यहाँ पर आई वा समझ पहली चीज़ आपकी छोड़ दे रहा है यहाँ पर जो पहला आपका लेटर है वो यहाँ पे बिल्कुल छोड़ दे रहा है और फिर आपका बाद में शुरू कर रहा है ठीक है सेकेंड वाले से शुरू कर रहा है यानी टू थ्री तो फॉलो कर रहा है ये बस ये क्या फॉलो कर रहा है कि यहाँ पर देखिए यानी ये क्या कर रहा है वन टू थ्री ये तो कर रहा है तो टू थ्री तो यहाँ पे लिख रहा है लेकिन ये फॉलो क्या कर रहा है ए ई आई ओ यू यानी ये जो सीक्वेंस है ये फॉलो कर रहा है तो ई आई ई के बाद ए ई आई ओ यू ये हमारा फॉलो हो रहा है यहाँ पे तो ई के बाद आई आया था आई के बाद ओ आता है तो यहाँ पे आएगा हमारा ओ ठीक है यहाँ पे आ, तो आ, हमारा यह पे आ गया हमारा ओ इसलिए सही हो गया फिर इसने क्या किया है? इसको खा गया इसने यहाँ शुरू किया आई के बाद लिखा ओ और ए ई आई ओ यू ये होता है हमारा यानी कि आई के बाद ओ आता है फिर ओ के बाद यू आता है इसलिए यहाँ पे आ गया यू ठीक है फिर इसने क्या किया इसको खा गया फिर लिखा ओ यू यानी टू थ्री तो उसने फॉलो किया उसका इसने फॉलो क्या कर दिया यू वाला सीक्वेंस यानी ओ के बाद यू आया फिर यू के बाद आएगा अकबर सीधा ए इसलिए यहाँ पे आ गया ए तो ये हो गया आपका आंसर तो आपका जो आंसर हुआ आंसर नंबर सी आगे बात समझ में यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जो लॉजिक फॉलो हो रहा है यहीं टू थ्री तक तो हम कहीं ना कहीं सही थे बस हमें ये देखना था कि अगर यहाँ पे ये वो नंबर ये जो लेटर चेंज हो रहा है वो चेंज क्यों हो रहा है यहाँ पे चेंज सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ए ई -E आई ओ यू ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आप आज का आई होप आप लोग क्लास पसंद आई होगी आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हुई होगी काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं इस तरह क्वेश्चन आपको एक और करा देता हूँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हो सकता है क्वेश्चन में आप लोग फंस जाएँ पाँच सोलह ध्यान रखिएगा कैसे कि क्वेश्चन में दो सीरीज़ भी जो है फॉलो हो जाती हैं तो यहाँ पे शायद दो सीरीज़ फॉलो हो एक सीरीज शायद ये क्वेश्चन ना हो पाए कैसे होगा आपको बताता हूँ पाँच से सोलह आएगा कैसे आएगा जब हम प्लस का प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे बताइए ग्यारह ठीक सोलह से अठारह आएगा जब हम प्लस का बारह करेंगे अट्ठाईस से छत्तीस आएगा जब हम प्लस का आठ करेंगे छत्तीस से इकहत्तर आएगा जब हम प्लस का पैंतीस करेंगे इकहत्तर से नब्बे आएगा जब हम प्लस का उन्नीस करेंगे और उन्नीस से दो चौतीस का आएगा जब हम प्लस का एक सौ चवालीस करेंगे यानी कि ये कहीं ना कहीं बारह का स्क्वायर है फिर दो चौंतीस से तीन सौ बयालीस का आएगा जब हम प्लस का एक सौ आठ करेंगे ठीक है अब तो हम देखते हैं ये तो हमारी एक सीरीज हो गई यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या आने वाला है हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे क्या आएगा ठीक तो हम देखते हैं इसके से बीच में क्या फॉलो हो रहा है प्लस का वन हो रहा है यहाँ पे ठीक है अच्छा इसके इसके बीच क्या हो रहा है माइनस का फोर हो रहा है ठीक है इसके इसके बीच क्या हो रहा है माइनस का क्या हो रहा है यहाँ पे सत्ताईस हो रहा है ठीक यानी कि ये दो का स्क्वायर है फिलहाल ये हमको तीन का क्यूब दिख रहा है अभी इसका भी पता नहीं है हमें फिर हम यहाँ से आएंगे पैंतीस से उन्नीस में तो कितना डिफरेंस आ रहा है सोलह का यानी ये चार का स्क्वायर हो रहा है ठीक फिर हम आएंगे उन्नीस से एक सौ में कितना डिफरेंस आ रहा है चौदह में हो जाएगा पाँच एक एक सौ पच्चीस तो ये आपका हो गया पाँच का क्यूब ठीक है उसके बाद तो हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे क्या होगा आपका थर्टी सिक्स यानी कि हो गया छः का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे चल क्या रहा है हमें देखना है दो सीरीज़ चल रही है एक दो का स्क्वायर हो रहा है फिर चार का स्क्वायर हो रहा है फिर छः का स्क्वायर हो रहा है अच्छा यहाँ पे पहले तीन का क्यूब हुआ पाँच का क्यूब हुआ यानी कि इसका मतलब यहाँ पे एक का क्यूब हुआ हुआ ठीक है अब हमें क्या करना है हमें देखना है ये हमारा ये वाला कहाँ से आया ये वाला हमारा आएगा यहाँ से यहाँ से जुड़ेगा यहाँ पर होगा सात का क्यूब यानी कि होगा तीन सौ तैंतालीस तो तीन तैंतालीस को लिखेंगे हम यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे एक सौ आठ में तुम्हारा कितना आ जाएगा आठ तीन ग्यारह चार एक पाँच तीन एक चार चार सौ इक्यावन और चार सौ इक्यावन जब हम एक सौ आठ को ऐड करेंगे नहीं एक सौ आठ तो हम भी ऐड कर चुके हैं ना तो चार सौ इक्यावन जब हम थ्री फोर्टी टू को ऐड करेंगे थ्री फोर्टी टू प्लस फोर फिफ्टी वन हमारा कितना आ जाएगा टू वन थ्री पाँच छः नौ चार तीन सात आ जाएगा आपका सेवन नाइन थ्री तो आपका जो आंसर है वो सेवन नाइन थ्री हमें आंसर दिख रहा है टू नंबर तो ये हो गया आपका आंसर थोड़ा तो टेढ़ा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं ओके आई बात में क्लियर है ओके okay, रिपोर्ट है आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी क्लास को मैं फिनिश करते हैं बहुत लंबी क्लास हो गई है मैं जानता हूँ बट इतने सारे क्वेश्चन हैं तो मैं तो सोच रहा था कि ज्यादा जा ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दिए जाए फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली डी कर सकते हैं आई एम अंडर स्कोर विशाल वन जीरो सेवन इस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करिए और आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूँगा और आपको बता देता हूँ अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप ग्रुपर लिंक दे दूँगा कोई भी क्वेश्चन हो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ही पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको आंसर मिल जाएंगे या फिर आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं आपको वो भी आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे ओके होप आपको क्लास पसंद आई होगी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर